नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं पीएलसी न्यूज और अभी आप देख रहे हैं परीक्षण एवं मूल्यांकन शिविर का यहां पर आयोजन किया गया है रविशंकर स्टेडियम में, जहां पर भारी मात्रा में बुजुर्ग लोग पहुंच रहे हैं। आइए जानते हैं किन विषयों पर या किस प्रकार से परीक्षण यहाँ पर हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग कई जिले से यहाँ पर बुजुर्ग लोग पहुँचे हुए हैं, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। यहाँ पर शिविर में आने के बाद बुजुर्गों को किस तरह से या किसी भी प्रकार से अगर कोई असुविधा होती है जानकारी के अभाव में या प्रशिक्षण से संबंधित, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोल फ्री नंबर दिया गया है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि सियान दिव्यांगजनों के बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है, डिटेल है। और यहाँ पर देखिए फ़ोन का एक डेमो भी बना है, जिस के आधार पर आप अगर नहीं भी पढ़ सकते हैं तो इसके रख रखाव से समझ आता है कि हम यहाँ पर मदद ले सकते हैं। आइए और जानते हैं और क्या क्या जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हल्दी से। हल्दी? मोहला हल्दी। मोहला हल्दी, हाँ। कहाँ पर हो थे? राजनांदगांव। हाँ। तो अभी अपन राजनांदगांव से आते हो? हाँ। कतक जन हो नांदगांव से? 45 जन। नहीं, 22 जन है किसी? 45 जन। अभी इन लोग डिस्कस कर रहे कि कितने लोग हैं, अभी पता चला कितने लोग हैं? 45 जन है। 45 जन है। का चीज पर आए हो? डॉक्टर आई की है तेकर से ती इलाज कराए बर आहन। डॉक्टर बोले कि डॉक्टर आई इसे करके बताई से। हाँ। तो तुमन का इलाज से आओ, का इलाज कराए बर आए हो? हमन आए थे खांसी आते, हाथ गोड़ दर्द है ओकर बर। तो खांसी है और हाथ गोड़ पिरात है ओकर बर आए हो? हाँ। अब आप कैसे आओ माता राम? उसने वाहन गोड़ हाथ पिराए दे जाँच करा। तो यहाँ तो मतलब चश्मा या व्हील चेयर इस टाइप में मिली से बोले जानकारी है का? नहीं, हमें जानकारी नहीं है। मैडम जानकारी नहीं, कौन मैडम बताई? बोला आए आए मैडम है गेट कर। बताया नहीं कि का चीज़ें हुई? नहीं बताई, नहीं बताया है। इनको जानकारी नहीं दिया गया है, राजनांदगांव से लाए हैं, कोई मैडम के साथ में आए हैं। इनको ये नहीं पता है कि किस लिए लाए गए, बस हाथ पैर के दर्द के नाम से यहाँ पर इन लोग आ गए हैं। आइए जानते हैं। सुखपति। सुखपति, हाँ। निषाद, आपका क्या नाम है? जहुरा यादव। आए जहुरा यादव। जहुरा यादव, अच्छा अच्छा। कैसे हाथ गोड़ के पीरा में आहन? खाली हाथ गोड़ के पीरा में नहीं, आँखी के। अच्छा। हाँ। आँखी कान, आँखी कान के सब के है माहन। ओके। बुजुर्गों को असुविधा के बचने के लिए यहाँ पर पंजीयन केंद्र बनाया गया है। आइए जानते हैं कितने अभी तक पंजीयन हो चुका है। सर अभी तक लगभग कितने पंजीयन हो गए? लगभग हमारे पास 7,000 के आसपास पंजीयन हो गए हैं। 7,000 के जी। ज्यादातर लोग कहाँ से आए? पूरे जिले से ही है। पूरे जिले से पांच मतलब दुर्ग संभाग अंतर्गत जितने राजनांदगांव बालोद बेमेतरा जहाँ जहाँ से सूची गई थी वो सारे आ गए हैं। लगभग किस उम्र के लोग ज्यादा हैं सर? इसमें 60+ हैं। 60+ है। जी जी, ये एक्चुअल में वरिष्ठ नागरिकों का ही कार्यक्रम है, तो 60+ का कार्यक्रम है, 60+ ही आए हैं। जी, जी अपना परिचय सर। मैं सहायक ग्रेड 3 हूँ, विनय कुमार तिवारी, और अधिकारी साहब बात कर सकते हैं, उधर बैठे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जितने बुजुर्ग लोग आए हैं जो अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए, और इस शिविर में कोई भूखा ना रहे उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। आइए देखते हैं भोजन में क्या क्या व्यवस्था है। आपने खाना खाया? हाँ। क्या खाए? पूरी खाए और क्या कहते हैं बालू साग खाए। हाँ। क्या कहते दाली दालिया वो। आप क्या क्या खाए हो? हम बालू साग। हाँ। वो कहा जाते है सुहारी आओ नाश्ता है। नाश्ता बस। वा 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 है। तो भात साग नहीं खाया? भात नहीं खा है भैया। कहाँ पर नहीं खा भात साग? भात कहाँ है अभी, अभी भात नहीं पके है। कत का बर देबो किसे? अभी तो खा है नाश्ता पानी बाबा, अभी नहीं खा। अच्छा चलिए ठीक। चना खावे कहीं खावे तो दांत में फंस जाते। तो दांत में चना फंस जाते? हाँ। तो दांत में चना फंसे? चना फंसते, खाना खावे तो फंसते। कहीं भी चीज खावे ना तो फंसते दांत में। तो दाँत निकाल दो फिर। हाँ दाँत निकाल दो, कान का में क्या बो? मतलब दोनों समस्या है तो फिर कान के कान नहीं सुना है। तो अभी तो ओकरे पर तो डॉक्टर करा। हाँ तो कान नहीं सुना है, ते नजीक में है ना कैसे सुनाते और ओकर हंसना तो नहीं सुना है। अच्छा तो अभी का चीज पर आस दांत दिखाला का आंखी दिखाला? आंखी आंखी दे कान है। कान है रे, ये कान है रे। हां कान है, दिखाला सभी। हां अच्छा कान बता हम कहां लास? राता पहली। राता पहली कति होती? ए हां राजनांदगांव जिला डोंगरगांव थाना। अच्छा ठीक।
देख लीजिए खाने के नाम पर बुजुर्गों को किस तरह से बैठा के जमीन पे खिलाया जा रहा है ना, इनके पास बैठने की कोई सुविधा नहीं है। कहाँ से आए हो दादाजी आप? साजा से। कहाँ खाते हो अभी आप? पोहा। पोहा तो बैठे सुविधा नहीं है का? बैठे सुविधा नहीं है सर। बैठे सुविधा नहीं है, अभी देसी हवा है, बीम बैठ के खाओ। देख रहे हैं आप, इतनी बड़े आयोजन तो है लेकिन बुजुर्गों के लिए बैठ के खाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, जमीन पर बैठे हैं। कोई गोट पेंडल से मैं आया हूँ, पंचायत सरपंच भेजे है। अच्छा, क्या बोल के भेजे? बीपी वगैरह के इलाज हो ही, चश्मा भी दी, राखी भी दी, ऐसे की कुछ कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। कोई व्यवस्था नहीं? कहाँ व्यवस्था है, वहाँ तो पूछे इनसे कैसे नहीं है, लाठी अभी नहीं है, पंचायत में जा बीपी दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है कि बोला से। आपके नाम का? रामकिशन सागरवंशी। रामकिशन सागरवंशी, कहाँ ला हुआ? ग्राम गोट पेंडी। अच्छा, आपका कहाँ बोल के बुलाए गए से? लाठी मिली ही, चश्मा मिली ही, बीपी की इलाज करी ही, ऐसे अब कहीं नहीं मिली, कुछ नहीं में। आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग की जुबानी, इनको क्या बोल के बुलाया गया था और यहाँ पर जिस चीज के लिए बुलाया गया था उस चीज की सुविधा यहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोहा का वितरण हो रहा है और यहाँ पर भैया वो क्या रखा है? कचौड़ी है। कचौड़ी, कचौड़ी। लगभग अभी कितने लोगों को खिला चुके हैं आप? कम से कम 11.5 लगभग पहुँच चुके हैं। 1150 11,000। हाँ। लेकिन यहाँ तो एंट्री 7,000 की बता। अरे नहीं, यहाँ तो डबल आएगा ट्रिपल आएगा, लेकिन जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं ना, हम प्लेट सिस्टम, प्लेट सिस्टम से बता रहे हैं। कहाँ से प्लेट लगाई है? ये यहाँ लगा है ना, यहाँ से लगा था, यहाँ से वहाँ तक कुल बात। मतलब कि कैटरिंग का कोई नाम होगा? डीपी कैटरस रायपुर। अच्छा, यहाँ पर पंजीयन हमने जानकारी ली पंजीयन के बारे में, तो यहाँ पर पंजीयन बताए हैं 7,000 और कैटरिंग वाले का कहना है कि यहाँ पर 11,000 हमने प्लेट पर। लाखों के खर्च करके इतना बड़ा शिविर का आयोजन किया गया है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बुजुर्ग लोग का जो नाश्ता हो रहा है वो जमीन पर बैठ के किस तरह से बैठ के खा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो या तो फिर बैठने की सुविधा, बैठने में असुविधा होती है, लेकिन वो बैठ के खाने पर मजबूर है। ये है व्यवस्था जिन्होंने ये आयोजन को करवा रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आयोजन की क्या स्थिति है, आइए और जानते हैं और क्या कुछ है। अभी हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पर कान नाक गले का जो है जो बुजुर्ग आए हैं उन लोगों की कितनी एंट्री हुई है यहाँ पर, आइए जानते हैं। जी मैडम बताएंगे, अभी तक कितने लोग आ चुके हैं? 90 आ गए। 90 लोग? हाँ 90 लोग, खाली 90 लोग नहीं, 90 अभी होते जा रहे हैं, कुछ वहाँ है। अभी आप क्या देख रहे हैं? अभी हम एंट्री कर रहे हैं। एंट्री तो एंट्री कितने लोगों की हुई? अभी हो गई 100। अभी 100 हो गई है। अभी आप 90 बोल रहे थे? हाँ, ये सब मिला के टोटल 100 पूरे लोगों को मिला। हाँ हाँ हाँ। तो अभी आप कब से बैठे मैडम यहाँ? यहाँ सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे? हाँ हाँ। अभी और कितने लोगों की आने की उम्मीद हो रही है? अभी और करीब 100। पंजीयन 7,000-8,000 की बता रहे हैं, तो हाँ तो होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कब तक बैठेंगे आप लोग? तक आएंगे, जब तक आएंगे शाम तक का जी। जी अपना परिचय बताएंगे। गीता भट्ट। विभागीय? हाँ, ये मुस्कान स्कूल समाज सेवक से है। बोलो। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि दंत विभाग का 4 कॉलम बना हुआ है, जिसमें से एक दंत विभाग में तो 1-2 लोग दिख रहे हैं और तीसरे नंबर में वहाँ पर कोई पेशेंट नहीं दिख रहे हैं, चौथे में 1-2 लोग दिख रहे हैं और जस्ट मेरे पीछे में ये पूरा कॉलम दंत विभाग का पूरा खाली पड़ा है। आइए और जानते हैं। ये जो शिविर का आयोजन जो है, यहाँ पर नेत्र विभाग का जो कॉलम बना है वहाँ पर पेशेंट बहुत दिख रहे हैं और कॉलम मतलब जैसे दंत में जो खाली पड़ा है उसके अपेक्षा जो नेत्र विभाग के जो 4 जगह बना है वो चारों के चारों जगह पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर पेशेंट पूरे चारों तरफ मतलब साफ देखने को मिल सकता है, समझ सकते हैं कि नेत्र के जो रोगी हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आइए और जानते हैं और कैसे रोगी हैं। अस्थि विभाग के भी 4 कॉलम बने हुए हैं यहाँ पर। अस्थि रोग विशेषज्ञ के नाम से जो बोर्ड टंगा है वहाँ पर कुछ
जो पेशेंट है वो दिख तो रहे हैं, जो अपने आप को दिखाने के लिए आए हैं, लेकिन मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं ये इस कॉलम में पूरे लोग पूरा खाली है, कुर्सी जैसा कि पूरे खाली पड़ी है। मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं एक और 80 रोग विशेषज्ञ का जो जहाँ पर बैठने का है वहाँ पर कोई पेशेंट नहीं दिख रहे हैं। आइए और जानते हैं और क्या व्हील चेयर कहाँ मिल रहा है। अभी व्हील चेयर के बारे में हम लोग को मालूम नहीं है, पूछने से बता नहीं रहे कहाँ मिले। किसको पूछ रहे हो आप? वो काउंटर से। काउंटर से पूछ रहे हैं, कोई बता नहीं रहे क्या बोलते हैं? वो कुछ बोली नहीं रहा है तो पर्ची बस काट रहे हैं, पर्ची बस काट रहे। आपका शुभ नाम है? निर्भय साहू। साहू जी कहाँ से आए आप? राजनांदगांव। अभी आप देख रहे हैं निर्भय साहू जी बता रहे हैं कि व्हील चेयर कहाँ पर मिल रहा है, कोई बताने को तैयार नहीं है। बोलो। छड़ी के लिए? छड़ी हाँ जी, चलने में के लिए छड़ी नहीं मिला अभी? हाँ नहीं मिला, दिया लिख करके कहाँ जाना। क्या बोले हैं? जाओ मिलेगा क्या, कहाँ मिलेगा पता नहीं होगा, जगह बता नहीं रहे कहाँ मिलेगा। हाँ नहीं मैं बता रहा है। अच्छा आपका शुभ नाम? कमल राम यादव। कमल आप कहाँ से आए हो? नादगांव जिला अर्जुनी। कहाँ मिली लाठी? कहाँ मिलेगा? लिख के दे डॉक्टर ही ना। क्या बोले हैं? जाओ इधर जाओ कुछ लाठी का छह या तीन चार लौड़ी मार दे। मतलब यहाँ पर लोग ज्यादातर गुमराह हो रहे हैं कि लाठी कहाँ मिल रहा है। लाठी बोलने का मतलब जो टेक के चलते हैं। टेक के चलते हैं। आप कहाँ से आए हो? माड़ी तरही। माड़ी तरही कति होते माड़ी तरही? बेलगांव। कतक बार के निकले हो आप? मन हमारा 8 बजे के। 8 बजे से नाश्ता पानी खानी थी। कब तक मिली बोले? अब वो जाओ इधर पूछ लेना कि तो कोई बताते नहीं बताते। अब वो डॉक्टर मन के इधर पूछ लेना कहते। अच्छा सही नहीं बताते? सही नहीं बताते। आप कहाँ से आए हो? माड़ी तरही। नाम क्या है आपके? उमेदी साहू। माड़ी तरही से आए हैं, ये भी अभी कंफ्यूज चल रहे हैं कि इनको जो सामान मिलने वाला है वो कहाँ मिलेगा, कोई यहाँ पर सही बताने वाले नहीं है, बस एक पर्ची लिख के दिया जा रहा है, ये इन लोगों का कहना। इस शिविर में बुजुर्गों के लिए जो परीक्षण का जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ के लिए मुख्य योजना के तहत जो कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इसमें ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो आए तो हैं सुविधा लेने के लिए, लेकिन भटकते ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा तो बहुत बड़ा है, लेकिन भटकते नज़र ज़्यादा आ रहे हैं। हर खबर के लिए बने रहिए वीएलसी साहब, तब तक के लिए नमस्कार।